दया दया आई आई बोलिए दया मुझे तेरा बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपके मन में जो भी गड़मथल चल रही है मुझे बता दीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। आप बैठ। दया मैं आज पार्टी को मिलने नहीं गया था। तो पार्टी सार्टी करने गया था। पति जी, आपने हमसे झूठ बोला। सॉरी 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 दया सॉरी। अरे क्या सॉरी, बेचारे हीरा चाचा के पास वक्त नहीं था, फिर भी वो खास आपको मिलने के लिए यहाँ तक आए और आप झूठ बोलकर पार्टी सार्टी करने के लिए चले गए। देख दया रूठ मत दया। अरे ये रूठने मनाने का वक्त नहीं है। तो पार्टी सार्टी करने का वक्त है। देख दया मैंने तुझे सब सच सच बताया है ना। मेरी माँ हमेशा कहती है इंसान बात छुपाने के बाद सच तभी बोलता है जब वो फंस जाता है। तेरी माँ तो सच में ज्ञानी है। मैं सच में फंस गया हूँ। क्यों क्या हुआ? वो दया क्या हुआ के वो टप्पू के पापा आपने पार्टी सर्टी में जाने के लिए पुलिस भाई को रिश्वत देने की कोशिश की। बहुत गलत किया टप्पू के पापा। हाँ हाँ दया गलती तो हो गई है लेकिन अभी एक ही रास्ता है। क्या? वो इंस्पेक्टर ने कल सुबह 7 बजे मुझे बापूजी के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो अगर बापूजी मेरे साथ कल सुबह पुलिस स्टेशन आएंगे तो मैं बच सकता हूँ। आपको क्या लगता है ये सब जानने के बाद बापूजी आपके साथ पुलिस स्टेशन आएंगे? नहीं आएंगे, इसीलिए तो मैं तुझे कह रहा हूँ दया। एक तू ही है जो बापूजी को समझा सकती है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, ये तो एक और गलती हो जाएगी। बापूजी उल्टा आपको ज्यादा डांटेंगे, कहेंगे कि अपनी गलती छुपाने के लिए तू बहू को आगे कर रहा है। देख दया अगर तू बापूजी को नहीं समझाएगी, बापूजी हमारे साथ नहीं आए तो वो इंस्पेक्टर मुझे जेल में डाल देगा, फिर पता नहीं वो मुझे क्या सजा सुनाएगा। अरे क्या सोच रही है दया? सोच, अगर मेरी जगह तू होती तो क्या करती? मैं तो आपकी जगह हो ही नहीं सकती ना, मैं थोड़ी आपकी तरह पार्टी सार्टी करने जाती हूँ। अरे दया मान ले मेरी जगह तू होती, इस तरह मुसीबत में फंस जाती तो बाहर निकलने का क्या रास्ता ढूंढती? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और माँ को याद करती हूँ, फिर वही कोई रास्ता दिखाती है। काश आज मेरी बा होती तो वो भी मेरी मदद जरूर करती। बा तरो गगुड़ो फसाई गयो से, बा मदद कर। टप्पू के पापा अब पुलिस भाई को जरा पूछे ना, बापूजी के बदले पत्नी आएगी तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, उसने बापूजी का ही बोला है। काश मैं आपके साथ बापूजी बन के आ सकती। अरे वाह दया, ये मस्त आइडिया है। तू बापूजी बन के मेरे साथ नहीं आ सकती लेकिन मेरी बाप बन के तो मेरे साथ आ सकती है ना? ये क्या बोल रहे हैं? एकदम बराबर बोल रहा हूँ दया, ये आइडिया मस्त है। तू कल सुबह मेरे साथ मेरी बाप बन के आ, हैं? मैं इंस्पेक्टर को बोल दूंगा कि बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बाप को लेके आया हूँ। तू उसको इतना ही बोलना कि हम लोग अच्छे लोग हैं बस। ना बाबा ना। दया अरे मैं आपकी बाप कैसे बन सकती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। दया नहीं नहीं दया दया अरे दया सुन तो सही। ना बाबा ना, बात नहीं। अरे दया देख देख मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुझे पता है नरगिस जी वो असली जिंदगी में सुनील दत्त जी के पत्नी थे लेकिन मदर इंडिया पिक्चर में उन्होंने सुनील दत्त जी के बाप का रोल किया था। वैसे ही तू मेरी पत्नी है लेकिन तुझे सिर्फ मेरे बाप की एक्टिंग करनी है। लेकिन अरे क्या लेकिन, याद है दया तू ही मुझे कहती थी कि स्कूल का नाटक में मुझे और सुंदर को एक्टिंग के कितने सारे इनाम मिलते थे। हाँ, हाँ, लेकिन वो नाटक था, ये हकीकत है।
हाँ तो हकीकत में भी तुझे एक्टिंग का अनुभव तो है ही ना? है? क्या है? भूल गई? अभिषेक भाई बच्चन अजय भाई देवगन के सामने पत्रकार बन के किसने एक्टिंग की थी? वो बच्चन जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है मुझे? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुप्पू के पापा, मैं आपकी माँ नहीं बन सकती, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी बैठ। देख दया, एक स्त्री होती है ना, स्त्री वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। समय समय पर ये सारे रोल बहुत खूबी से वो निभाती है। टुप्पू के पापा, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो? लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे टप्पू के पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जमीन पर क्यों सो गए? तो और क्या करूं? मुझे 5-6 साल की जेल हो जाएगी, और जेल में बिस्तर तो होता नहीं है, तो अभी से जमीन पे सोने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। मैं तो कहता हूँ कहीं से 10-15 मच्छर भी पकड़ के लेके आ और इधर मेरे ऊपर उड़ा, क्योंकि जेल में मच्छर भी बहुत सारे होंगे, उनकी भी आदत मुझे डालनी पड़ेगी ना। टुप्पू के पापा, ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? शादी के वक्त लोग क्या क्या कसमें खाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाएंगे साथिया, यहाँ तो पहले ही जन्म में बेड़ा गर्क। चलो इंस्पेक्टर को फोन करके बता देता हूँ, कल सुबह में नहीं आ पाऊंगा। नहीं, नहीं, टुप्पू के पापा, लग गया। हाँ बोलो जेठालाल। इंस्पेक्टर साहब। हाँ तो बोलो ना। इंस्पेक्टर साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। मैं अभी स्पीकर ऑन करता हूँ, आप जरा जोर से बोलिएगा। अगर कल मैं 7 बजे नहीं आ पाया तो आप मुझे क्या सजा सुनाएंगे? ठीक है, बताता हूँ। बोलिए। मिस्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे मेरे पुलिस स्टेशन में अगर तुम अपने पिताजी के साथ नहीं आए तो तुम्हें 14 साल की जेल कर दूंगा मैं, समझे? ओके, थैंक यू। अरे बाप रे, मैं तो 5-6 साल समझ रहा था, ये तो 14 साल का प्रोग्राम है। नहीं 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 टुप्पू के पापा, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी, मैं आपकी मां बनने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ। थैंक यू। एक मिनट, ये पति जी मेरी रक्षा करना, मेरे लिए एक तरफ गुआ है एक तरफ खाई है, टुप्पू के पापा को गड़बड़ नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी दया, वो इंस्पेक्टर ने ना बापू जी को देखा है ना बा को देखा है। सिर्फ 5 मिनट का काम है, तू उधर मेरे साथ मेरी बा बन के आ, ओ इंस्पेक्टर के सामने मुझे थोड़ा डांटना, बस खत्म। खुशी खुशी हम लोग घर आ जाएंगे। अच्छा, सासू माँ, मैं जो कुछ कर रही हूँ मजबूरी में कर रही हूँ, तो मुझे माफ करना। अरे दया, तू बाकी चिंता करी मत, मेरी बात तो बहुत अच्छी थी, उसे कभी किसी की बात का बुरा लगता ही नहीं था, वो हमेशा बड़ा मन रख के सबको माफी कर देती थी। अच्छा? हाँ। थैंक यू। सॉरी। तो दया, कल सुबह 7 बजे जाना है। नहीं नहीं नहीं, 7 बजे नहीं जा सकते। क्यों? बापूजी मंदिर जाने के लिए 7:30 बजे निकलते हैं, तो मैं उनके जाने के बाद ही निकल सकती हूँ ना? अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ इंस्पेक्टर ने तो हमें 7 बजे पहुंचने को बोला है। तो अब क्या करेंगे बेटा? तो पुकी पापा करेंगे क्या? मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेहता साहब को मिलके आता हूँ, ये काम मेहता साहब ही करेंगे। जिलो हंस, मतलब मेहता साहब आपकी बा बनेंगे? अरे नहीं, बा तो तुझे ही बनना है। तो फिर मेहता साहब क्या बनेंगे? अरे भाई तो शांति रख, तू कल सुबह की तैयारी कर, मैं भी आता हूँ। मेहता साहब।
हो जेठालाल यार, इतना ज्यादा रक्तदान कर दिया मच्छरों को कि थोड़ी देर में अशक्त होकर बेहोश हो जाऊंगा मैं। सॉरी सॉरी, लेकिन दया मान गई है। मतलब दया भाभी चाचा जी से बात कर लेंगी अब? नहीं नहीं, बापूजी को अभी पुलिस स्टेशन ले जाने की जरूरत ही नहीं है। दया आ रही है मेरे साथ पुलिस स्टेशन, मेरी बाँ बन के। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? दया भाभी बाँ बन के आएंगी तुम्हारी? अरे कहीं पकड़े गए तो पुलिस 420 का केस लगा के तुम्हें और दया भाभी दोनों को अंदर कर देगी। नहीं नहीं, सुप सुप बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे दया एकदम चैंपियन एक्ट्रेस है, स्कूल में बहुत सारे इनाम जीती है वो। अरे लेकिन जेठालाल, कुछ नहीं होगा मेहता साहब, मुझे पूरा विश्वास है दया पूरा मामला एकदम बराबर संभाल लेगी। दूसरा, अभी हमारे पास और कोई बापूजी उपलब्ध भी नहीं है ना। ठीक है जेठालाल, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो गुड नाइट, सुबह के लिए ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, ऑल द बेस्ट क्या, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त। अब क्या बाकी है जेठालाल? आपका रोल पिक्चर में अभी तो आता है। कैसे? पुलिस स्टेशन में सुबह 7 बजे जाना है, लेकिन बापूजी 7:30 बजे मंदिर जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई जेठालाल। हाँ, और ये प्रॉब्लम को आप दूर करेंगे। कैसे? आप सुबह 6:30 बजे घर पे आना मेरे, और बापूजी को कोई भी बहाना बना के कहीं ले जाना। अरे पर चाचा जी को सुबह ही सुबह 6:30 बजे मैं कहाँ लेके जाऊंगा जेठालाल? अरे भाई कुछ तो सोचो, आप सब मैं ही सोचूं, ऐसा क्या कर रहे हैं मेहता साहब? सुबह इतनी जल्दी 6:30 बजे तैयार होंगे चाचा जी? 5 बजे उठ जाते हैं बापूजी। ठीक है, सोचता हूँ फिर कुछ, और मिलते हैं सुबह घर पे। थैंक यू। हाँ हाँ, सो जाओ आराम करो। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट। जी तो उठ गए, मेहता साहब कहाँ रह गए? हाँ बोलो जेठालाल। अरे मेहता साहब, बापू जी उठ गए, आप कहाँ हैं? अरे आ रहा हूँ भाई, निकल ही रहा हूँ। जल्दी जल्दी। अच्छा, अंजलि भाभी को क्या बोला? अरे यार उससे तुम्हें क्या लेना देना है कि मैंने क्या बोला? मेरे को जो बोलना था बोल दिया। अरे मैं पहुंच रहा हूँ बस, है ना। आओ भाई, आप जय जिंदन चाचा जी। तुम सब लोग एक साथ इतनी सुबह सुबह यहाँ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, हम सब लोग राम मंदिर जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ में ले चले। ओ हो हो भाई, यार सूरज कहाँ से निकला है? तुम सब लोग एक साथ इतनी सुबह सुबह, और वो भी मंदिर, वाह क्या बात क्या है? वो क्या है ना चाचा जी, आज आनंद स्वामी जी है ना, उनका मंदिर में 7 बजे प्रवचन है। हाँ प्रवचन। अच्छा, कल तो मंदिर में किसी ने कुछ कहा नहीं ऐसा, तुम लोगों को किसने कहा? पप्पू ने। चाचा जी, वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, वो मंदिर के पास ही रहता है। एक्चुअली वो कल रात को बहुत लेट डिसाइड हुआ प्रवचन का। कहते हैं कि स्वामी जी बहुत जबरदस्त प्रवचन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जीवन में कभी भी उन्हें सुनने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ चाचा जी, मैंने भी ऐसा सुना है। वाह वाह वाह, तुम सब लोग एक साथ प्रवचन सुनने जा रहे हो और साथ में मुझे भी ले जा रहे हो, बड़ी खुशी हुई मुझे। चाचा जी, आपको साथ में ले जाने में तो हम लोगों का असल में स्वार्थ ही है। असल में स्वामी जी वेद से या पुराण से कोई ऐसा वृतांत सुनाए, कोई ऐसा दृष्टांत जो हमारी समझ के बाहर हो, तो फिर आप ही हमें समझा सकते हैं ना, इसलिए। हाँ अच्छा ऐसे। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर, बस 2 मिनट में कपड़े बदल के तुम लोग के साथ चलता हूँ। जी एक मिनट। अरे जेठिया, अरे जेठिया। हाँ जेठिया। कौन है? अरे मैं। आया बापू जी। उठ बारा।
कौन? अरे सुबह सुबह आप लोग यहाँ क्या हुआ? हाँ देखा ना, हम सारे लोग आज वो आनंद स्वामी जी का प्रवचन सुनने राम मंदिर जा रहे हैं, तो चाचा जी को लेने आ गए थे। हाँ अच्छा हो आइए बापू जी, हो आइए। ए हो आइए वाली, तू भी चल हमारे साथ। बापू जी प्रवचन मेरी समझ में आता ही नहीं है बिल्कुल। अरे मैं समझा लूंगा तुझे, ये लोग भी मुझे इसलिए साथ ले जा रहे हैं। सॉरी बापू जी, लेकिन आज पता नहीं सर बहुत भारी भारी लग रहा है। हाँ तो भाई इतना भारी शरीर लेके घूम रहा है तो सर भी भारी ही लगेगा ना। सर शरीर को लेकर घूमता है कि शरीर सर को लेकर घूमता है? तू जा भाई, जा सो जा, सो जा। थैंक यू, चलिए हम लोग चलते थे। हाँ चलो। अरे आप लोग आइए ये बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ चाय पीकर ही जाते हैं। ओ पप्पू, प्रवचन के लिए हमको देर हो जाएगी। अरे नहीं कोई बात नहीं, 5 मिनट लगे कोई बात। अरे नहीं चाचा जी, अगर लेट हो गए तो वहाँ फिर पीछे बैठने को जगह मिलेगी, आगे जगह नहीं मिलेगी। अरे मिल जाएगी, आगे बैठने की जगह मिल जाएगी। नहीं नहीं चाचा जी, आज चाय रहने दीजिए, आज प्रवचन का रसपान ही करेंगे। ठीक है चलो चलिए। चलो भाई, जब तक मैं फोन ना करूं तुम लोग वहां से निकलना मत। ओए जेठा, ओए जेठा पर आते से फिक्र ना करो, और जब तक तुम्हारा फोन नहीं आएगा ना तब तक चाचा जी को मुंबई के सारे मंदिरों की तीर्थ यात्रा कराता रहूंगा। थैंक यू सोटी, थैंक यू। जाते उत्साही बैठी है, चाय पी के जाइए, बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी कैसे भी मेहमान आए उनको चाय पानी का पूछना ही चाहिए। ये मेरी माँ। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है? अभी तो मेरी माँ ही बनने वाली है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करी, जल्दी तैयार हो, 7 बजे पहुँचना है पुलिस स्टेशन। आप ऐसे ही आने वाले हो ना? चलो तैयार हो जाओ, चलो। अरे चाचा जी लेट हो जाएंगे, फिर मंदिर में जगह मिलती नहीं है इसलिए। चल मैं पप्पू जल्दी का यार, चलो चलो भैया, चलो चलो चलो। मैं तो मुझे एक बात बता जी, हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं और तूने अपने दोस्त को एक बार भी आने के लिए नहीं कहा। नहीं नहीं चाचा जी, असल में उसने पहले ही बता दिया ना कि वो नींद में था, और फिर जिद करने का क्या फायदा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ कि भोजन के मामले में और नींद के मामले में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना, इसलिए नहीं बोला। बराबर है, लेकिन अगली बार उसे साथ में जरूर लाना, वो तेरी जिम्मेदारी है। हाँ अगली बार पक्का पक्का लेके आऊंगा जेठालाल को। सकाळ चाप्राह, सुप्रभात मंडली। आत्माराम क्या हुआ यार, ये भीड़े को देख के तू इतने टेंशन में क्यों आ गया? नहीं तो नहीं नहीं बोल रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पे तो ऐसे 12 बजे हैं जैसे तूने उससे पैसे उधार लिए हो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। क्या सुबह सुबह किधर सब लोग? मंदिर जा रहे हैं प्रवचन सुनने। ओहो क्या बात है, मुझे किसी ने बताया नहीं। ए, भाई अब मंदिर में प्रवचन सुनने जाने के लिए भी सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ बोलो। नहीं नहीं पोपटलाल, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे बताते तो मैं भी आता था ना। चले काम कर भिंडी मास्टर, ये दूध घर पे रख के आ और तू भी हमारे साथ मंदिर चल। चल हाँ अभी 2 मिनट में आया। और पिड़ू दौड़ के जा और नट के आ, हम लोग गाना इंतजार नहीं रहे। आया 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 आया। बोलो जेठापरा। अरे बापू जी के सामने जेठापरा जेठापरा क्या कर रहा है? जग्गी ब्रा। ओ यार तेरी आवाज एकदम जेठापरा से मिलती है। कुछ पर्सनल बात करनी है? हाँ एक मिनट जी, उसको पर्सनल बात करनी है। हाँ बताओ भाई जग्गी परा। अरे भाई अभी तो दूर खड़ा है ना, तो अभी क्यों जोर से बोल रहे हैं? हाँ अब बोलो बोलो जी। अरे तुम लोग भीड़े की राह देखने क्यों रुक गए, निकलो भाई। वो चेटा परा तो अनु की मैं पता, अंतर्यामी हो गए हो या सीसीटीवी कैमरा लगा दिया? टीवी पे नहीं इधर लाइव देख रहा हूँ, बालकनी में खड़ा। घूमना मत, तुम लोग भीड़े की राम मत देखो, निकलो। वो आएगा तो उसको पूरी महाभारत बतानी पड़ेगी भाई, और मुझे भी लेट हो रहा है ना, मुझे पहुंचना है पुलिस स्टेशन। चलो निकलो अभी। वो करेक्ट है पर हुन की करिए, कुछ भी बहाना बना के निकलो जल्दी। और चंगा जेठापरा। अरे फिर से जेठापरा।
ओए अभी तो चाचा जी दूर खड़े हैं ना यार। हाँ हाँ ठीक है ठीक, निकलो निकलो जल्दी। पिड़ू अभी तक नहीं आया चाचा जी। ये पिड़ू पता नहीं कब तक आएगा, हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं, चलते हैं। चलो चलो। हाँ बिल्कुल सही कहा सोडी। अरे चाचा जी अगर उसका इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर वो आगे बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी ना प्रवचन में। चाचा जी वो तैयार होगा, चाय पिएगा, बहुत टाइम लगाएगा, उससे अच्छा हम लोग निकलते हैं अभी। अरे भाई वो सिर्फ दूध रखने गया है, अभी आ जाएगा। नहीं चाचा जी क्या आधाराम दूध रखने गया है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम बात करता है वो घर में। बहुत सेक्रेटरी है ना, कमाल है, किसी को बीड़े को साथ में लेकर नहीं जाना। ना ना चाचा जी ऐसा कुछ नहीं है, और पिड़ू को आना भी होगा तो मैं फोन करके बोल दूंगा, वो ऑटो पकड़ के आ जाएगा जी। हाँ बस हमें देर हो रही है इसलिए, बस और कुछ नहीं। आइए चलिए आइए बैठिए, बैठो भाई जल्दी करो यार। हाँ जल्दी चलो भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ बैठिए चाचा जी आराम से बैठिए। आओ चाचा जी रुक जा, एक मिनट चाचा जी को चलिए। बोलो जय श्री राम, जय भगवान राम। दया रेडी? बस दो मिनट। अच्छा तो देख मैं नीचे जाके देखता हूँ रास्ता क्लियर है कि नहीं। हाँ और नीचे से फोन करो तो तुरंत नीचे आ जाना। हाँ ठीक है। ओके। हाँ दया रास्ता क्लियर है, जल्दी नीचे आ जा। अरे जेठालाल ये सब लोग कहाँ गए? कौन? चाचा जी मेहता साहब सोड़ी अय्यर पोपटलाल कहाँ गए? नहीं मालूम नहीं। कमाल है, मुझे बोला हम लोग प्रवचन के लिए जा रहे, तुम जल्दी आ जाओ, मैं फटाफट रेडियो के आ गया तो सब गायब। तो कोई बात नहीं अभी तुम भी जाओ। किधर जाओ, मुझे क्या मालूम कहाँ गए वो लोग, कौन से मंदिर में गए। तो मत जाओ, तुम्हें मालूम है कहाँ गए वो लोग? नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम। अरे बाबा है मान संग। वैसे तुम सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। बताओ ना जेठालाल। बोल रहा हूँ ना पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, चल चल आता है मजा आएगा चल। अच्छा क्यों जा रहे हो? वो यहाँ नहीं बता सकता, उधर पुलिस स्टेशन जाकर ही बताऊंगा। तुम किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे ही नहीं सकते ना जेठालाल। अरे सीधा जवाब ही दे रहा हूँ, चल ना मजा आएगा चल चल मजा आएगा। नहीं 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 मुझे नहीं आ रहे। अरे मैं क्यों पुलिस स्टेशन? अरे 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 बेड़ा अरे चल 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 अरे अरे बेड़ लगा के चल। नहीं नहीं चल। सॉरी 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 मजे सॉरी। चलो पुलिस स्टेशन। एक छोटा सा धक्का लगे उसमें आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे? अरे इंस्पेक्टर साहब को मिलने के लिए नहीं जाना है टप्पू के पापा। दया तू कमाल कर दिया तूने, ये तो मैं भी तुझे नहीं पहचान पाया दया, ये कैसे किया तूने ये सब? ये दांत की हाइट कैसे बढ़ाई? अरे ये नकली है, देखिए बचपन में पोल में बहुत नाटक किया है, 8 साल की गुड़िया से लेके 100 साल की गुड़िया तक का राल किया है मैंने। गजब दया गजब लग रही है तू, इसमें तो तुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि तू दया है। थैंक यू टप्पू के पापा थैंक यू।
टप्पू के पापा नहीं, अभी तू मुझे गगुड़ा बोल। गगुड़ा, मेरी माँ मुझे गगुड़ा बुलाती थी। गगुड़ा? हाँ गगुड़ा। अभी इधर ही खड़े रहना है कि पुलिस स्टेशन भी जाना है? नहीं नहीं जाना है, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। ये कौन है? मैं इनकी माँ। मासी, मासी माँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते मासी माँ। खुश रहो? वैसे मुझे ये नहीं पता था कि दया भाभी की इतनी बड़ी बहन है। नहीं नहीं, ये टप्पू की मासी नहीं, ये तो मेरे मेरे मासी है। Really? इनकी शक्ल दया भाभी से बहुत मिलती जुलती है। वो तो मिलेगी ही ना बबीता जी। क्या है, दया भी अहमदाबाद की और मासीमा भी अहमदाबाद के, इसलिए चलो। आप लोग भी प्रवचन सुनने जा रहे? नहीं नहीं बेटा, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन? क्या हो गया जेठा जी? ये मासी माँ भी बहुत कॉमेडी करते हैं। बहुत हंसाते हम सबको। हम लोग मंदिर जा रहे, मंदिर को मासी माँ पुलिस स्टेशन बोलते। क्यों? यही मैंने भी पहली बार उनसे सुना तो यही पूछा था, क्यों? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, क्या जवाब दिया आपने बताओ। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ तो बोल के भूल जाती हूँ बेटा, सॉरी। लेकिन मैं तो जवान हूँ, मुझे तो सब याद रखना पड़ता है, रहता है, याद रहता है सब। तो उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस स्टेशन हम लोग क्यों जाते? फरियाद करने के लिए। और मंदिर में भी हम लोग सब फरियाद करने ही जाते हैं ना, भगवान को बोलते हैं ना हम सब, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं, सब फरियाद ही करते हैं ना। तो पुलिस स्टेशन और मंदिर दोनों एक ही हुए, फरियाद करने का स्थान। इसलिए वो मंदिर को पुलिस स्टेशन बोलते हैं। बहुत हंसाते हैं मासी माँ। इंटरेस्टिंग। आप किधर जॉगिंग करने जा रहे? अरे हाँ, ओके बाय। ओके नमस्ते। नमस्ते, सुखी रहो। थैंक यू। सुखी रहो। अभी हम लोग इधर दुखी हो जाते, पुलिस स्टेशन जा रहे बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी। अभी वहाँ पुलिस स्टेशन में कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। चलिए चलो। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। डिब्बे, तू तो बोल रहा था आज यहाँ स्वामी जी का प्रवचन है, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ हाँ, मेहता साहब यहाँ प्रवचन क्यों नहीं है? ओ पप्पू, तू भी कमाल करता है यार, मेहता साहब को क्यों पूछ रहा है भाई? तेरे दोस्त ने बोला था ना कि यहाँ पे प्रवचन है। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड ने बोला था ना। दुनिया हिला दूंगा, भगवान के नाम पे कोई ऐसे मजाक करता है? चाचा जी, मैं अभी अभी फोन करके खबर लेता हूँ उसकी। एक मिनट पोपटाल, ये खबर लेने देने का काम अखबार तक ही रहने देना भाई। चाचा जी, हो सकता है इसके दोस्त ने कोई और मंदिर बताया हो, सुनने में गलती रह गई हो, है कहीं और होगा प्रवचन। अब यहाँ आ गए तो भगवान श्री राम के दर्शन करते ना मंदिर में। बराबर, मंदिर में कोई दुर्भाव नहीं, सिर्फ सद्भाव और दर्शन। और चाचा जी, मैं तो क्या कहता हूँ कि दर्शन करने के बाद हम गायों को घास डालने भी जाते हैं और पक्षियों को दाना भी देते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो दर्शन करिए।
मैं जाता बात चाचा जी, वो क्या दाना डाला है आपने? अरे अय्यर, करना पड़ेगा, दाना तो डालना ही पड़ेगा ना भाई। जब तक जेठालाल पुलिस स्टेशन की परीक्षा से पास होके नहीं आ जाता, तब तक किसी भी तरह चाचा जी को यही रोकना है, ठीक है? आओ भाई, आओ दर्शन दर्शन। बस बस, कितना हो गया भाई साहब? 45 रुपया। दया, अभी तेरी परीक्षा शुरू हो रही है, बिल्कुल डरना मत, एकदम कड़क होके इंस्पेक्टर के सामने मुझे डांटना, और चाहिए तो ये छड़ी से एक दो बार मुझे जरा फटकारना। मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? सच में नहीं मारना है, खाली मारने का नाटक करना है, लेकिन नाटक भी ऐसा नहीं कि पकड़े जाए, जरा रियल लगे ऐसा नाटक करना। सुनिए, वो पुलिस भाई कहे कि बापूजी के बदले माताजी क्यों आई है, तो वो उसकी फिक्र मत कर, वो मैं समझा दूंगा। मैं मेहता साहब से जरा फोन करके बात कर लेता हूँ। हेलो मेहता साहब। हाँ हाँ, बोलो जेठालाल। बापूजी। चाचा जी बिल्कुल शांत है जेठालाल, शांति से मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए ना? हाँ हम लोग पहुंच गए, मैं अभी अंदर ही जा रहा हूँ, तो इंस्पेक्टर को मिलके 10 मिनट में घर जाने के लिए रवाना हो जाऊंगा, ठीक है? हाँ। दर्शन हो गए चाचा जी? हाँ। अब तो चले गायों को घास डालने के लिए। हाँ। आइए 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 भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बाप रे, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? कहीं हमारे घर पे तो नहीं चले गए? अच्छा नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर गाड़ी आ गए आप? गाड़ी नहीं, गड्ढा, जेठालाल गड्ढा। हाँ हाँ वही। ये कौन है? ये मम्मी है मेरी। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठिए। आप में बैठिए मम्मी, मम्मी बैठिए। आपके पिताजी चंपकलाल नहीं आए? बापूजी वो मेरे एक हीरा चाचा है, वो अचानक बीमार हो गया गांव में, तो बापूजी को अर्जेंट गांव जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सिद्धांतवादी पिताजी को पता ना चले, इसलिए आप अपनी मम्मी जी को लेकर आ गए? हम नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा मम्मी तो बापूजी से ज्यादा सिद्धांतवादी है। सॉरी, मैं कह रहा था सॉरी मम्मी। उठा लीजिए फोन, उठा लीजिए। सॉरी नट्टू काका, क्या है सुबह सुबह। अच्छा ठीक है, मैं बागा की पार्टी को मिल लूंगा, ठीक है? आप फोन रखिए। हाँ हाँ।
सर यो मेरी यो गड़े इलेक्ट्रॉनिक दुकान है ना, उनके मैनेजर नट्टू काका का फोन था, तो मैं ये कर रहा था। हाँ बागा, नट्टू काका का फोन आ गया है, तेरी पार्टी मिलने आने वाली है, उनको मैं मिल लूंगा, ठीक है फोन रख, चलो बाय। तो मैं सॉरी। हाँ प्रकाश भाई, हाँ हाँ प्लॉट लेना है ना, खरीदना है? हाँ कहाँ पे? ओह तो बहुत बढ़िया जगह है। हाँ तो कितना एरिया है? अच्छा ओहो, तो क्या भाव क्या बोल रही है पार्टी? पुलिस स्टेशन है ये, कॉल सेंटर नहीं है क्या भाई? तुमको बोला एक बार फोन उठाओ तो तुम तो चालू ही हो गए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ मेरी जो मम्मी है वो बापूजी से ज्यादा सिद्धांतवादी है। मम्मी जी, आपको पता है कि आपके बेटे ने क्या किया है? बताए मेरे गगुरे ने, मैंने तभी इनको दो चार छड़ी लगा दी। इनको? आप अपने बेटे को मान सम्मान के साथ बुलाती हैं? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब, के मम्मी जो है वो राजघराने से है, तो क्या है वहाँ उनके मायके में छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे मान सम्मान से ही बुलाते हैं। बोलिए, बचपन से इनको इतना मान सम्मान दिया है, फिर भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मम्मी सॉरी। चुप रहे, रहिए। देखिए माजी, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुनिए, सुनने को बाकी क्या रहा है? अभी टप्पू के पापा के बापू जी को पता चलेगा ना, तो इनको दो चार छड़ी और मारेंगे। मम्मी एक मिनट, टप्पू के पापा के बाबूजी ये कौन है? वो मेरे बापूजी की बात कर रहे। टप्पू मेरे बेटे का नाम है, तो टप्पू के पापा यानी मैं, टप्पू के पापा के बापूजी यानी मेरे बापूजी। बबुड़े कान पकड़िए और माफी मांगिए। माफी मांगिए? आता मांगते रहा हूँ, सॉरी सॉरी। कहिए दोबारा आप ऐसे नहीं करेंगे? दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मम्मी बस लग रहा है। बोलो, लग रहा है? यहाँ हमारे दिल पर जो चोट लगी है उसका क्या? बोलो, इनको बोलो आपको पिंजरे में डाल दे। नहीं नहीं मम्मी नहीं। चुप रहे, रहिए। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रही है। हमारी सात पीढ़ियों में आज तक कभी भी किसी ने किसी को रिश्वत नहीं दी, और इन्होंने? अरे मैंने रिश्वत नहीं दी है मम्मी, मैंने सिर्फ रिश्वत देने की बात की। नहीं नहीं, रिश्वत देने की बात की या रिश्वत दी, दोनों एक ही बात है। और मैं तो कहती हूँ रिश्वत देने की बात सोचना भी रिश्वत देना जैसा ही है, बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर है। माजी क्या है ना कि रात को अगर मैं चाहता तो इन्हें लॉकअप में बंद कर सकता था, पर मैंने ऐसा किया नहीं। क्या है ना कि मुझे समझ में आ गया कि ये अपने पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे डरते भी हैं, इसलिए मुझे लगा कि इनको अगर बड़ी सजा देनी है तो इनको इनके पिताजी के साथ यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए। वाह वाह बेटा वाह, तुम कितना समझदार हो। और एक ये है मेरे बगुड़ा। आ मम्मी, इंस्पेक्टर साहब हम लोग अभी जा सकते हैं? रुको, पहले एक माफीनामा लिख के दो। Thank you.
सर ये फोन आपका कब से बज रहा है थोड़ा? हाँ मोरे, क्या चाहिए? हाँ मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, ठीक है। दया क्या कर रही है तू, इतना क्या रोल में घुस गई है? थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, जान लग रहा है मुझे। आपको लग रहा था तो? अरे तो आपने बोला क्यों रे? अरे क्या बोल तो रहा था, बस मम्मी बस लग रहा है बोल तो रहा था, लेकिन नहीं, धमाधम मारे जा रही है। सॉरी मुझे लगा कि आप नाटक कर रहे हो। अरे क्या नाटक, ये लीजिए पेपर, इसमें माफीनामा लिखिए, मैं आता हूं तब तक। साहब मेरा काम हो गया क्या? जेठा भाई, जेठा सेठ। अरे बाप रे, ये पक्का यहाँ? नमस्ते जेठा सेठ। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं सेठ, मैं पकिया। आपकी दुकान के थोड़ा बाजू में मेरा प्लास्टिक की दुकान का ठेला है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में कोई लफड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही इंस्पेक्टर साहब वो पहचान वाले, तो ऐसे ही मिलने चले आए। चल ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी माता जी हैं? हाँ। नमस्ते माता जी। नमस्ते। पर बागा भाई तो कह रहे थे कि आपकी माता जी को गुजरे कई साल हो गया है। ए भाई, यहाँ इनकी माता जी नहीं तो क्या माता जी का भूत बैठा है? क्यों मेरा शुरुआत करवाने पर तुले हुए हो? क्यों क्यों क्यों? सॉरी 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 माता जी, वो बागा भाई बोल रहे थे ना कि वो बागा एक नंबर का फेकू चंद है, तुम जाओ इधर से जाओ। बागा बागा। दर्शन बहुत बढ़िया हो गए ना आचार्य जी, आज बहुत सुबह सुबह मंदिर में आना। गाय को घास भी खिला दी और पंछी को दाना भी खिला दिया। अच्छा काम हो गया, चलो अभी घर चलते। अरे इसमें महसूस को क्या देख रहा है, चल मुझे घर छोड़ दे। मेहता साहब। हाँ हाँ अब चलते घर चलते ना। हाँ छोड़ी चल, और एक चीज ध्यान रखना भाई छोड़ी, बहुत धीरे गाड़ी चलाना, 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या? अरे चाचा जी बहुत तेज चलाता है ये, इतना तेज चलाता है कि एक बार तो अय्यर गिर गए थे ना, अय्यर गिर गया था। हाँ बहुत लगा था अय्यर भाई को। हाँ मैं गिर पड़ा था। हाँ बराबर है छोड़ी, तू गाड़ी बहुत तेज चलाता है, आराम से चलाना। आराम से आराम से बिल्कुल आराम से। हेलो। हाँ अरे अनन बोलो। कभी क्या? अच्छा अरे 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 चोर रोक रहे तेरे को, तो मैं चेतांगा नहीं। अरे पकड़ छोड़ी, पकड़ उसको, पकड़ छोड़ ना। अरे चोर रोक तेरी इतना। अरे अरे बाइक में निकल गया, मैं अभी जीप में आ रहा हूँ, तेरे को छटांगा नहीं। क्या हुआ छोड़ी, क्या हुआ? अरे चाचा जी वो बाइक में निकल गया है, हम लोगों को जीप में पीछे करना पड़ेगा, चलो। अरे रुक जा भाई रुक जा, अब तक तो वो कहां से कहां पहुंच गए होंगे। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन करते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं मेरे को कंप्लेन नहीं लिखवाना है, नहीं करवानी है। क्या वो चाचा जी पुराना मोबाइल था ना? मोबाइल पुराना था मतलब? तुम जैसे लोगों की वजह से ही इन चोरों की हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ नहीं क्या चाचा जी, मोबाइल मेरा पुराना था और फिर कंप्लेंट करेंगे तो सबका आधा दिन खराब हो जाएगा। अरे अय्यर भाई आधा दिन खराब हो जाएगा इसका क्या मतलब?
अरे भाई चोरी चोरी होती है, मोबाइल पुराना हुआ तो क्या हुआ? पुलिस की कंप्लेन तो हमें करनी ही चाहिए, और जब तक हम कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक पुलिस को कैसे पता चलेगा कि भाई कोई चीज चोरी हुई है, वो हमें ढूंढ के देनी है। बाद में हम ही चिल्लाते कि भाई पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। हाँ भाई कंप्लेन तो हमें करनी ही चाहिए। हाँ तो ओ शॉर्ट टर्म क्रांतिकारी, अरे क्या चाहते हैं कि सुर में सुर मिला रहे हो? तुम्हें पता है पुलिस स्टेशन में जेठालाल और दया भाभी वहां जाएंगे तो क्या होगा? ये तो मैं भूल ही गया था। सॉरी। कैंसल भाई, पुलिस को कंप्लेन करना कैंसल। क्या है चाचा जी, अय्यर भाई की बात भी एक तरह से सही है। एक तो क्या है, उनका मोबाइल भी पुराना था, दूसरा सब लोगों का दिन भी खराब हो जाएगा। पुराने मोबाइल के लिए सबका आधा दिन क्यों वेस्ट करना है? अय्यर भाई नया मोबाइल खरीद लेंगे। ए पोपट, तू तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। तेरा दिन अगर खराब हो रहा है तो तू यहीं खड़ा रहे, हम लोग जाते हैं। चलो भाई चलो। अय्यर पुलिस कंप्लेन तो करनी ही चाहिए, चलो। हाँ बिल्कुल चाचा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कंप्लेन चाहिए। और ये यहाँ क्यों खड़ा रहेगा, ये भी जाएगा। अय्यर पोपटलाल छोड़ी तीनों जाएंगे, और चाचा जी को इस उम्र में परेशान करने की क्या जरूरत है? चाचा जी आप यहीं रुकिए, मैं आपको कंपनी देता हूँ, ये तीनों जाके कंप्लेन कराएंगे। ये ठीक है, ठीक। अरे भाई हम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे? देख भाई मैं, तुझे यहाँ खड़ा रहना है तो तू खड़ा रहे, हम लोग जाते हैं। चल भाई क्या मुसीबत है, चाचा जी जिद पकड़ के बैठे हुए और जेठालाल का फोन भी नहीं लग रहा है। अय्यर तुम्हारा फोन भी अभी आना था। एकदम मेरा फोन चोरी हो गया, ऊपर से आप मेरे को डांट रहे हैं। पुराना फोन है ना, गया तो गया यार। भाई कहीं जेठालाल को उन्होंने लॉकअप में ना बंद कर दिया। काली जुबान, शुभ शुभ बोल। ऐसी बात होती तो दया भाभी हमको फोन कर लेती ना। अरे तुम लोग वहाँ खड़े खड़े बड़बड़ क्या कर रहे हो? चलो वो पुलिस को क्या बोल रहा है ये सब? वो यहाँ 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 बैठ के बात करो। आ भाई, आ भाई, छोड़ छोड़, फास्ट मत चलाना भाई। आइए संभल, आइए 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 आइए, चलो बैठो जल्दी बैठो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे बैठो भैया, आइए आइए आइए। हाँ चलिए, अरे आराम से आराम से, छोड़ क्या कर रहा है? सॉरी सर, चलो बोला अभी तेरे को धीरे चला, छोड़ी फिर जल्दी साहब को बुलाइए ना, वरना बापूजी हमारे पहले घर पर पहुंच जाएंगे। बापूजी मुझे ऐसे देखेंगे ना तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? आप पर कैसे बुलाऊं, ऐसा सीधा अंदर घुस तो नहीं सकता ना। दो मिनट में आता हूँ बोल के पता नहीं कहाँ चले गए। छोड़ी देखे देखे आराम से, जल्दी चला, आ तो गया अभी। हाँ वो पुलिस स्टेशन है ना चाचा जी, इसलिए। हाँ अब तो उतर नहीं है। चलो दाग बना कर। अरे एक मिनट यार, चाचा जी के साथ अंदर गए आज तो सीधे फिर लॉकअप के अंदर ही जाएंगे। मैं तो सब फिर उनके ही करिए, सोचते हैं कुछ। ओ जल्दी सोचो यार। अरे तुम सब लोग रुक क्यों गए? चलो। हाँ एक मिनट, ओ मेरे बॉस का मैसेज है चाचा जी, कुछ अर्जेंट बात है, मैं करके आता हूँ, आप लोग चलिए। हाँ ठीक है, चलो तुम लोग चलो। चलो चलो। क्या हुआ? वो पैर में थोड़ी मोच आ गई है, ठोकर लग गई। अरे तो देख के नहीं चल सकता डिब्बे? सॉरी सॉरी चाचा जी, आप चलिए मैं आता हूँ। ठीक है चलो। चाबी किधर गई जीप की? किधर गई? मालूम नहीं, जीप में गिर गई, ढूंढनी पड़ेगी चाचा जी। ठीक है चल ढूंढ ले जल्दी। हाँ चाचा जी। चल भाई। निशा सा
अरे भाई शांति से बैठने, ज्यादा करेगी तो दांत निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, शांति रख जरा। चाचा जी मैं आता है। आता आना, तुझे मना किसने किया? नहीं मैं जाके आता। ठीक है जा जल्दी आना। हवलदार साहब जी, ये दीपक साहब कहाँ गए? साहब अभी दो मिनट में आ जाएंगे। साहब ये लिख दिया मैंने माफी पत्र, और थैंक यू आपने मुझ पे केस नहीं किया। माता जी देखिए क्या है कि आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूं, पर क्या है इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो किया ना वो बराबर किया है। गगुड़े अब से ऐसी गलती करेंगे? हाँ मम्मी, अभी हम लोग जा सकते? चल। ये जी मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। जयंतीलाल गड़ा बैठिए। जी मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। जयंतीलाल गड़ा बैठिए। जी मुझे चोरी की कंप्लेंट लिखवानी। साहब के पास जाइए जी। जेठालाल अरे अपना फोन तो लेके जाओ। चाची की फुर्ती तो देखो। रोको चले, रोको चले। तो कोई था पाउडर गली जाने जल्दी। पाउडर गली कहीं है? दया भाभी तो नहीं है? चाची लो, कैसे घूमता है ये? हो सकता है, लेकिन मैं दादा ये जयरलाल किधर है? मिस्टर जेठालाल याद रहेगा ना, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, इन्होंने कोई चोरी की है? चोरी नहीं चाचा जी, उससे भी बड़ा काम किया इन्होंने, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा यार। वो अंदर जाके देखना चाहिए। ओ बाबू जा अंदर देख क्या। नहीं 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 भाई मैं अंदर नहीं जा सकता भाई, चाचा जी का सामना करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं। आजकल के नौजवान भी
क्यों भाई? तो भाई क्यों रिश्वत क्यों दे रहे थे आप? आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ चाचा जी, दरअसल बात यह है कि कल ये साहब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहे थे, वो भी नो एंट्री में से होकर। मैंने रोका तो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने लगे। बताइए, हम सब लोग राम मंदिर जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ में ले चलें। इसलिए आज मैं मंदिर जल्दी गया। क्या? कुछ नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसे भटके हुए नौजवानों के लिए मैं रोज मंदिर जाता हूँ भगवान से प्रार्थना करने। लेकिन आप इन्हें छोड़ क्यों रहे हैं? इन्हें तो हवालात की हवा खिलानी चाहिए। क्या है चाचा जी कि ये अच्छे परिवार से हैं, और वैसे भी इन्होंने कहा कि इनके पिताजी बड़े सिद्धांतवादी। और बेटा ऐसा नालायक। इसीलिए तो चाचा जी मैंने इनसे कहा कि सुबह अपने बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आना, वरना हवालात में डाल दूंगा। तो इनके बापूजी आए? नहीं, बापूजी को तो कुछ काम था, वो नहीं आए, पर इनकी माता जी आई हैं। मास्टर जी, मास्टर जी, कहाँ से? माता जी, इनकी माता जी अभी यही थी। कहाँ है भाई माता जी तुम्हारी? खैर चाचा जी, आपकी क्या कंप्लेंट है? हाँ, वो राम मंदिर के पास मेरे साथ एक आदमी था, उसका मोबाइल चोरी हो गया है। तो वो आदमी कहाँ है? यहाँ आने का उसके पास वक्त नहीं है। भाई वाह चाचा जी, सच कहता हूँ हिंदुस्तान में आपके जैसे जागरूक नागरिक होने चाहिए, कमाल है। बताइए नाम क्या था उसका? जी चाचा जी, यहाँ यहाँ एक साइन कर दीजिए। जी हो गया, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाकर मेरे बेटे की खबर लेनी है। मतलब खबर पूछनी हो। शुक्रिया। अरे संभाल के, ये लो अपना फोन, जाओ। जेठा भरा तुसी इत्थे? ओ सब ठीक तो है यार, हमको बताना चाहिए था। ए छोड़ी, तेरा नाटक बंद कर, तुम लोगों के कारनामे सुनकर आ रहा हूं मैं। सॉरी चाचा जी, सॉरी। चाचा जी हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चाचा जी, हम सबको माफ कर दो प्लीज। चाचा जी गलती तो हो गई हम सबसे, लेकिन आप चाहे तो हमें सजा दे दीजिए। हाँ हाँ, हाँ तो सजा तो मिलेगी ही ना। चलो सब लोग कान पकड़ो, चलो चलो कान पकड़ दो कि पुलिस वाले को बुलाऊं।
चलो अभी सब लोग ये बोलते बोलते उठक बैठक करो कि आज के बाद कभी भी किसी को भी हम लोग रिश्वत नहीं देंगे। चलो बराबर कर। आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद हम कभी उठक बैठक रिश्वत नहीं देंगे। अंकल कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरे स्कूल में लोग ने होमवर्क नहीं किया क्या? नहीं बेटा, होमवर्क तो किया है लेकिन जिंदगी का होमवर्क गलत किया है। क्या अंकल इतने बड़े होकर होमवर्क ठीक से नहीं करते? चलो चलो तुम लोग सब रुके हुए, तुम लोग चालू रखो। चाचा जी सब लोग देख रहे हैं। हाँ चाचा जी बहुत शर्म आ रही है। क्या गलत काम करते वक्त शर्म नहीं आई थी? चलो चलो उठक बैठक करो। चलो आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद चलो अभी सब लोग गाड़ी में बैठो और घर चलो। चलो जेठालाल हम लोग चलते। एक मिनट। अरे वाह आप लोग वापस भी आ गए। जेठा जी आप भी गए थे इनके साथ प्रवचन सुनने? अरे हाँ आपकी मासी माँ कहाँ गए? बबीता मासी जी प्रवचन सुन के वापस गांव चली गई। हा? तुम घर चलो मैं तुमको बताता हूँ। एक मिनट अय्यर तुम सब लोग पहले हमारे घर चलो। क्यों? प्रवचन का अर्थ समझाना। घर पे झूठ बोल के पार्टी करने जाते हो और ऊपर से नो एंट्री में घुस के रिश्वत देते हो। चाचा जी रिश्वत तो जयडालाल ने दिया था। लेकिन तुम लोगों ने उसका साथ तो दिया ना, और मेरे जेठिया की तो बात ही मत कर, ये तो अजूबा है अजूबा। माँ बेटे को जन्म देती है लेकिन ये पहला ऐसा बेटा है जिसने माँ को जन्म दिया। बापूजी मुझसे गलती हो गई, सॉरी। बहू तू कुछ मत बोल, मुझे पता है ये जेठिया ने तुझे मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। एक काम कर, इन सब की पत्नियों को बुला, इन सब के करतूत बताऊंगा उन्हें। आज बच गया ये पोपटिया डिब्बे, तेरी तो होने वाली पत्नी को ये सब बताऊंगा मैं। नहीं नहीं चाचा जी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा।
चाचा जी देखिए, हम मानते हैं ना हमारी गलती, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज चाचा जी, प्लीज प्लीज चाचा जी। गलती हो गई मतलब? ए मैक्टुस, तू तो लेखक है और ये पोपटलाल पत्रकार। तुम दोनों ये रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कितना कुछ लिखते हो, है क्या क्या लिखते हो? लेकिन इनका क्या, जो रिश्वत देते हैं उनका क्या? नहीं नहीं बहू, बुला सबकी पत्नियों को बुला। चाचा जी प्लीज एक मिनट बात सुनिए। माना कि हमसे गलती हुई है, हमने हमारी पत्नियों से झूठ बोला है चाचा जी। पहले तो पार्टी में जाने के लिए झूठ बोला, फिर आपसे ये झूठ बोला कि मंदिर में प्रवचन है। लेकिन चाचा जी अगर आप उनको बुलाएंगे तो फिर तो चाचा जी प्लीज प्लीज मत बुलाइए ना, उनको मत बुलाइए प्लीज। हाँ प्लीज चाचा जी, अगर जो बबीता को मालूम पड़ा तो वो लाइफ टाइम मेरे साथ बात नहीं करेगी। चाचा जी आपको तो रोशन का पता ही है, वो तो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देगी। चाचा जी हमको हमारी गलती समझ में आ गई है, उन लोगों को बुलाने से क्या फायदा है, हम लोग आज से पार्टी में जाएंगे ही नहीं, हमें समझ में आ गया है। और अगर पार्टी शार्टी करने गए भी तो नो एंट्री से तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अरे सोढ़ी क्या बोल रहा है भाई? मेरा मतलब है अगर हम लोग गलती से नो एंट्री में गए तो चुपचाप फाइन भर देंगे जी। हाँ यार जयदलाल की जयदा रिश्वत नहीं देंगे। और अगर जेठालाल ने रिश्वत दी तो हम उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। चाचा जी प्लीज हम सबको माफ कर दो ना प्लीज। चाचा जी अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ से फल चुराने वाले को फांसी की सजा दी जा रही है। बापू जी माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज चाचा जी मान जाइए ना प्लीज, वी आर वेरी सॉरी। ठीक है बाबू, तेरे कहने पर इस बार इन सबको जाने देता हूँ। चलो जाओ, माफ किया। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो, तू कहाँ जा रहे? अरे हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ, सॉरी। बाबूजी सॉरी। तू तो मुझसे बात ही मत कर, मुझे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से नफरत है। बापूजी मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन गलती किससे नहीं होती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खाने से पहले ही संभल जाते हैं, जैसे आप, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो ठोकर खाने के बाद ही संभलते हैं। लेकिन उनको भी संभलने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना बापूजी। ठीक है, लेकिन जेठिया एक बात हमेशा याद रखना, रिश्वत लेने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन रिश्वत देने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए आइंदा से तूने कभी भी किसी को भी रिश्वत देने की कोशिश की ना जेठिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं बापू जी, कभी नहीं। और बहू जी, बापू जी तूने तेरी सास की एक्टिंग कैसे की, जरा मुझे भी दिखा। अरे मस्त की, पता पता बाबूजी। नहीं मैं नहीं कर सकती। अरे 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 दया, शर्मा गई बाबूजी, वरना मस्त एक्टिंग की थी उसने। Wee 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 w